नमस्ते मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में तो आज के वीडियो सेशन में एक जॉब नोटिफिकेशन हम देखने वाले हैं बाई इंडियन नेवी तो ये जो है ये एक फ्रेशर जॉब है और सबसे पहले यहाँ पे बोल दू कि इसका जो एप्लीकेशन है सिक्स ऑफ नवंबर को एंड हो रहा है तो मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर हो गया है तो आप लोग डेट को जरूर नोट कीजिए यहाँ पे मल्टीपल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है एलिजिबल है फ्रेशर जॉब है ये एक ठीक है तो वीडियो सेशन को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये इंडियन नेवी का शॉर्ट सर्विस कमीशन है फॉर वेरियस एंट्री जून 2023 कोर्स ठीक है तो यहां पे लास्ट सबसे पहले यहां पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जनरल सर्विस है बी, बी, टेक, एनी मार्क टोटल नंबर ऑफ पे सिक्स है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेकेंड जुलाई 1998 से लेके फर्स्ट ऑफ जनवरी 2004 के बीच में यहां पे लाई करना है नेक्स्ट आ जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेवल ऑपरेशन ऑफिसर पायलट तो यहां पे बीई बी टेक इन एनी डिसिप्लिन विद 60 परसेंट मार्क और यहां पे आपका 60 परसेंट एग्रीगेट बना होना चाहिए टेंथ और ट्वेल्थ में ठीक है विद 60 परसेंट इन इंग्लिश तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे फाइव फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव है पायलट में एज लिमिट हर जगह यहां पे आपको सेम ही दिखने वाला है नेक्स्ट है तो लॉजिस्टिक्स या एम बी ए या बी एस सी बी कॉम बीएससी आई टी ठीक है या एमसीएमएससी फर्स्ट क्लास होना चाहिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे भी ट्वेंटी है आपका ठीक है अब एजुकेशन ब्रांच में

नेक्स्ट जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज है जिसमें वो है टेक्निकल ब्रांचेस तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस तो यहां पे बीबीटेक सिक्सटी परसेंट चाहिए मैकेनिकल विद ऑटोमेशन भी चलेगा मैकेनिकल नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मरीन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग एरोस्पेस ऑटोमोबाइल मेटलर्जी मेकाट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सबके लिए यहाँ पे ट्वेंटी फाइव सीट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विसेज तो यहां पे बी सर्विसम सिक्सेंट चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अपलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे नंबर का वैकेंसी है आपका फोर्टी फाइव है और यहां पे नेवल कंस्ट्रक्टर भी है यहां पे बी बीबीटेक मैकेनिकल मैकेनिकल विद ऑटोमेशन सिविल एरोनॉटिकल एरोस्पेस मेटलर्जी नेवल आर्किटेक्चर ओशन इंजीनियरिंग मरीन इंजीनियरिंग शिप टेक्नोलॉजी शिप बिल्डिंग और शिप डिजाइन में अगर आपका है बी बीबीटेक तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहां पे मर्चेंट नेवी पर्सनल्स भी, भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एज है सेकेंड जुलाई 93 से लेके फर्स्ट जनवरी 2004 के बीच में तब आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इवन कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे डबल एस्ट्रिक्स दिया हुआ है तो यहां पे डबल एस्ट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट पे आपको दिया हुआ है पायलट में ठीक है अच्छा तो अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो यहां पे कैंडिडेट जो कि अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं या हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट मींस फाइनल ईयर भी दे सकते हैं या जो पास आउट हो चुके हैं वो भी दे सकते आपका मिनिमम परसेंटेज यहां पे 60 परसेंट होना चाहिए ठीक है कैंडिडेट है डिग्री इन इंजीनियरिंग विद्सटी परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो यहां पर आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फिल करना है और एक चीज आप यहां पे अपना प्रेफरेंसेस भी देख सकते हैं एक ही एप्लीकेशन से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेस में फिल कर सकते हैं तो आप आप जिसमें भी प्रेफरेंस देंगे उसी में आप सिलेक्ट होंगे अगर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे यहां पे और एक चीज जो भी बीटेक का स्ट्रीम दिया है एग्जैक्टली वही होना है अगर आपके डिग्री में और कुछ मेंशन है तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सेवन में यहां पर ठीक है अब सिलेक्शन प्रोसीजर तो यहां पे शॉर्टलिस्टिंग आपको किया जाएगा डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो बी बी टेक या जो भी आपका डिग्री है फाइनल डिग्री उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट को भी यहां पे आपका जो है मार्क्स जो भी आपने ऑप्टेन किया है उसी में आपको यहां पे लिया जाएगा अब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को यहां पे एसएसबी का इंटरव्यू देना पड़ेगा तो ये एक बहुत ही अच्छा ज्यादा इतना कुछ नहीं होता है आपका जीडी होता है ठीक है और नॉर्मल आपका जो है आपका यहाँ पे स्पीकिंग जो स्किल्स है वो देखे जाते हैं यहां पे साथ ही आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं इंटरव्यूर के सामने ये सब चीजें देखा जाता है इंटरव्यू में तो पूरा एस का प्रोसेस जो है यहां पे आपका ये लिंक पे दिया रहेगा इंडियन पे और अगर आप पहली बार एस इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको यहां पे एसी थ्री टायर का भी रेल फेयर मिलने वाला है ठीक है अब ट्रेनिंग यहां पे जो है आपका नेवल एकेडमी इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला में होने वाला है फॉर फोर्टी फोर वीक्स यहां पे है आपका यहां पे सिर्फ अनमेरिड कपल्स ही जो सॉरी अनमेरिड जो कैंडिडेट्स होंगे वही एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग होंगे ठीक है पीरियड की बात करूं तो यहां पे टू इयर्स का प्रोयेशन पीरियड है, है साथ ही इसमें और भी पे एंड पर्स एंड अलायसेज होते हैं इंडियन नेवी जो है आपको बहुत सारे अलायसेज देती है तो नियर अबाउट आपका जो सैलरी हो जाता है इट कम समवेयर अराउंड एटी टू नाइनटी थाउजेंड के आसपास हो जाता है ठीक है अब आपको अप्लाई कैसे करना है तो यहां पे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे देखिए ये वाला लिंक में दे दूंगा यहां पे कंप्लीट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन लाव पे क्लिक करके आपको अपना फिल करना है ठीक है तो जो भी डिटेल्स होंगे यहां पे आपको करना है अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप अपना फिफ्थ सेम या सेवंथ सेम का मार्कशीट आपको देना है तब तक आपका सिक्सटी होना चाहिए एग्रीगेट में और एक चीज कि आपके इंटरव्यू के दौरान आपका जो है फाइनल आपका जो मार्कशीट या डिग्री वो हो जाना चाहिए यहाँ पे ठीक है और एक चीज अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज सिक्स ऑफ नवंबर से पहले फॉर्म भर लीजिए जितना जल्दी हो सके आप लोग फिल जरूर कीजिए ठीक है तो अगर ये वाला वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में धन्यवाद